हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम रुके हैं श्रीनगर से, सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, और आज रात हम यहीं पे स्टे करेंगे। एक अच्छी जगह मिल गई हमें, और ये हमारा कैंपिंग टेंट, हमारा सेटअप रेडी है सारा, और ये खड़ा अपना गब्बर, और ओवरफुल मैन पता नहीं क्या क्या निकालता रहता है इसमें से। क्या निकाला है भाई? हैं कपड़े नारे है नारे आया तो है नहीं। तो अपना सारा सेटअप रेडी हो चुका है, आइए मैं दिखा देता हूँ कि अंदर से हमें सारा सेटअप कैसे रखा है। अभी तो खिलरा पड़ा है सारा, तो स्लीपिंग बैग पड़े हैं अंदर, और मैट बिछा दिए हैं, योगा मैट, और अंदर लाइट भी लगा दी है। ये इन्वर्टर चल रहा है अपना, ये देखिए रोड, यहाँ पे नेशनल हाईवे है, बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है। तो कश्मीर के लिए लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसे है वैसे है, लेकिन डरते हैं कश्मीर आने से, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, और अभी तक हमें किसी ने रोका तक भी नहीं है, कोई आर्मी वाले ने, किसी ने ना, कहीं पे पुलिस ने रोका है। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है, आज हमने लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था, और अभी हम रुके हैं। फाइनली सुबह 4 बजे चले थे, इसलिए सफ़र काफ़ी लंबा हो गया, तो अब हम स्टे कर रहे हैं, और खाना हमसे अब नहीं बनेगा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा करके आए हैं, तो खाने की जगह है। अब इस रोड पे ट्रैफिक तो बहुत है, लेकिन रोड बहुत ही अच्छी है क्योंकि बिल्कुल साफ रोड है, न्यू बनी हुई रोड है, तो नेशनल हाईवे है ये, कश्मीर तक जाएगी ये सीधा, तो सफ़र करने में वैसे तो बहुत अच्छा रहा। और ये यहाँ पे ट्रक खड़े हैं, यहाँ पे ढाबा है इसलिए यहाँ पे रुक जाते हैं, और ये अपना गब्बर खड़ा है, और इसके पीछे ये हमारा कैंप। इसकी लुकिंग नाइस आ रही है क्योंकि इसके अंदर हमने बल्ब लगा रखा है, देखता है हमारे ट्रैक्टर के ऊपर, आपको पता है, इसलिए लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ट्रैक्टर से चार्ज हो जाता है वैसे, इसलिए लाइट आराम से लगा लेते हैं। ये यहाँ पर भी काफ़ी होटल, काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं, तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर आराम से खा पी सकते हैं। चलिए चलता हूँ कैंप के अंदर, और ओवरफुल मैन गया है खाना लेने के लिए, अभी गया है, पहले तो नहीं गया, बोला था आराम से खाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो खाना खा के, और मैंने तो राजमा चावल मंगाए हैं, और वो अपने लिए पता नहीं क्या लेके आएगा, बस बोलता है पैसे दे दो पैसे दे दो, मैं अपने आप ले आऊँगा अपने आप ले आऊँगा, मेरे लिए तुम्हारे लिए बोलो क्या लेके आना है। तो मैंने राजमा चावल मंगा लिए हैं, चावल हमारे पास है, सारा सामान पड़ा है, लेकिन बनाने का थोड़ा सा हो गया कि हम लेट हो गए ना, इसलिए बनाने वाला चक्कर हो गया। लाइट को क्या हो गया, अब तार ही लग रही है इसकी, भूत भूत बन गया, भूतों वाला होता है ना जिसमें लाइट ऐसे करती रहती है, फिर हिल गया। ये बिना लाइट भी चलता है, पर लाइट पे ज़्यादा तेज चलता है, इसके मैसेज आ रहे हैं। खाना लेने नहीं गया? अरे खाना लेके आ रहे हैं अभी, तुझे एक बार कपड़े कुपड़े सामने हैं। अरे भाई यार, सुबह का कुछ खाया नहीं है, ऐसे ही भोंकारा है, एक जगह नहीं रुकने दिया एक जगह। क्या स्ट्रगल होती है, एक गाइस आपको पता है, कल सुबह की रोटी खाई हुई है, अभी तक रोटी नहीं खाई है, और ये रुकने देता नहीं है। सेब ले लेता है एक, और एक केला ले लेता है, और बोलता है ये खा लो बस, और चलते रहो। आपको पता है कि खाने पीने के बिना सफ़र तय नहीं होता, खुद तो चलाता नहीं है, और मेरे को बोल देता है तू ही चला भाई, तू ही चला, तू ही चला। अब पूरा सफ़र मैंने अकेले ने तय किया है, अभी तक सिर्फ इसने कोई पाँच किलोमीटर चलाया होगा हाईएस्ट, या 7 किलोमीटर चलाया होगा। लाइसेंस का कोई मतलब नहीं होता, लाइसेंस नहीं है, किसी ने रुकाया नहीं अपने को, अभी तक हमें किसी ने नहीं रुकाया, ना कहीं पर आर्मी ने रुकाया, ना कहीं पर पुलिस ने रुकाया। ट्रैक्टर है अपना, इसलिए जाने देते हैं, गब्बर बेचारा भागा भगता है,
और गब्बर को आपको पता है कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए गब्बर दौड़ता रहता है। 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, 30 किलोमीटर निकाल देता है एक घंटे के अंदर। और एवरेज आपको पता है रेंज रोवर की और इसकी सेम है, रेंज रोवर 7 की देती है, ये भी 7 की एवरेज ही दे रहा है। तो अभी तीसरी बार टंकी फुल करवाई है इसकी, कश्मीर में मुझे लगता है श्रीनगर पहुंचेंगे इतने टाइम में ये तीसरी टंकी भी गई। तो अपने ये राजमा चावल आ चुके हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे बनी है। खाने में टेस्टी है, अच्छे बनाए हैं। जो डब्बों पे बनते हैं वो अच्छे ही बनते हैं, पता नहीं हम बनाएंगे तब पता नहीं कैसे बनेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है, सूरज भी निकल चुका है, ये देखिए खूबसूरती यहाँ की। और पूरी रात भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड थी, आगे पता नहीं कैसे सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन रात को हमने स्लीपिंग बैग तो नहीं लिए, खाली ब्लैंकेट से काम चलाया है, तो उस हिसाब से अभी तक तो ठीक है। और अभी निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए, तो जल्दी जल्दी सामान अपना समेट लेते हैं। और अभी तक चाय नहीं पी है, सुबह सुबह उठे हैं अभी, क्योंकि रात को पूरी ठंड थी, इसलिए पहले प्रोग्राम था कि हम 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 4 बजे नहीं निकल पाए क्योंकि ठंड के कारण ट्रैक्टर चलाना मुश्किल है इतनी हवा के अंदर, इसलिए हम सुबह जल्दी तो नहीं निकल पाए, लेकिन अभी निकल जाएंगे जल्दी से। अभी तक 7 बजे का टाइम हो चुका है और ओवरफुल मैन है वो, तो अभी तक लेटा हुआ है, ये देखो खाली फ़ोन ही चला रहा है। ओए निकलना नहीं है क्या, बाहर निकल जा बाहर। तो गाइस जल्दी से सामान अपना समेट लेते हैं और यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी मैगी बना रहे हैं, सोचा कुछ खा के चलें ताकि सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के उसके बाद रुकें। तो अभी मैगी बना रहा है, पानी कम डालना। तो काम आवा तो भाई देखो पाड़ा मां मैगी बनाने का तरीको कुछ पंगो करना पड़ा, इन्ना कपड़ा चारों पासा बना के सिस्टम है ताकि हवा ना लगे, चारों तरफ कपड़े लगाने पड़ते हैं, अलमारी की भी ओट लेनी पड़ रही है, हवा बहुत चल रही है ना यहाँ पे, इसलिए हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है यहाँ पे, इसी वजह से ठंड ज़्यादा होती है। अगर हवा इतनी नहीं चलती तो ठंड कम होती, लेकिन हवा की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। अभी श्रीनगर का सफ़र है 200 किलोमीटर, तो देखते हैं कितने घंटों में और कब तक तय हो पाता है। मुझे लगता है अगर पहाड़ों के अंदर अंदर नहीं घूमना होता तो सफ़र 200 किलोमीटर निकल जाता है, लेकिन इनके बीच बीच में घूमना होता है और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ट्रक ज़्यादा आते जाते रहते हैं, इसलिए सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है, उनकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। गाइस फिर से मैगी बन के है तैयार, तो आज कुछ अलग ही खुशबू है और टमाटर वगैरह डाले हुए हैं, तो आज मुझे लगता है टेस्ट भी अलग ही होगा थोड़ा बहुत। और फुल मैन तो खा नहीं रहा है, वो बोला मेरे को भूख नहीं है, ठीक है नहीं खाएगा, सामान जचा दे जल्दी जल्दी ज़्यादा, और पर्दे ऊपर कर दे, ये रात को हमने पर्दे लगा के छोड़े थे ताकि बारिश वगैरह आए या फिर धुंध आए तो उसकी वजह से ट्रैक्टर की सीट गीली ना हो और अपना इन्वर्टर भी सही रहे, इसलिए। तो मैगी खाने के बाद होगी चाय की स्टार्टिंग, चाय बन रही है और यहाँ पे आर्मी सबसे ज़्यादा घूमती रहती है, ये देखो आर्मी के ट्रक आ रहे हैं, आर्मी के ट्रक सारा दिन घूमते रहते हैं, आर्मी सारा दिन गश्त करती है यहाँ पे। चाय बन गई है, चाय बहुत अच्छी बनी है, मैगी खा रहा है और चाय पी रहा है, मैंने मैगी पहले खा ली। ये दोस्त आया हमसे मिलने, दोस्त मैगी खाएगा क्या, और दोस्त कहाँ पड़ता है, तू कहाँ रहता है, किधर
हो रहा क्या होटल में? हाँ, फैमिली भी नहीं रहती है, पापा मम्मी भी रहते हैं। वो अकेला यहाँ रहता है? तो स्कूल कहाँ, यहाँ कहाँ स्कूल है? इधर कितनी दूर जाना पड़ता है? पैदल जाता डेली 1 घंटा। हाँ, भाइयों सूखा दूध इतना अच्छा है, ये देखो सूखा दूध है जो मैं खा के बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा है दोस्त। थोड़ा सुपर कर, फुल टेस्टी है दोस्त। अभी कहाँ हैं हम? ये चनौन वैली है क्या? जुम्पैड़ी। जुम्पैड़ी, जुम्पैड़ी? अच्छा, और ये गांव है कि शहर है? इधर गांव है क्या? हैं, अच्छा जुम्पैड़ी में खड़े हैं भाइयों। जैसे दोस्त वो वहाँ आदमी घूम रहा है, वो घूम रहा है ना, वो घूम रहा दिख रहा तेरे को है? वैसे वहाँ कैसे जाते हैं? कौन सा इसी तरह ऊपर चढ़ जाओ। गाइज फर्स्ट टाइम बर्तन साफ कर रहा हूँ पहाड़ों में आके, तो अभी आपको पता है फीलिंग कैसी आ रही होगी। एक ये दूध का बता रहा है, ये दूध का भूखा है, ये खा कच्चा दूध ही खा जाता है, कुछ नहीं छोड़ता ये खाने पीने की चीज, दूध हो कुछ भी हो। तैयारी हो रही है फूल खींच के, और हमने इसकी इन्वर्टर की बैटरी है वो अभी चार्ज लगाई है, 2 दिन हो गए चार्ज नहीं की, तो हमने सोचा अभी इसको चार्ज कर लेते हैं। चार्ज हो रही है, अगर वो चार्ज नहीं होगी तो आगे आपको पता है कि आगे सफ़र कम होगा और हम रुकेंगे ज़्यादा। सफ़र कम होने की वजह से फिर ये बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने सोचा इसको अभी चार्ज कर लेते हैं। तो एक बार अगर ये चार्ज होगी फिर हमें 3-4 दिन तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोन और लैपटॉप भी चार्ज करना है खाली, इसलिए हमने इसको अभी चार्ज लगा दिया है। कॉल ये है, पता नहीं क्या आगे कोई प्रॉब्लम होगी, आगे टनल है उसके अंदर, तो अभी एक साइड में सभी रुक रहे हैं, आगे यहाँ पे टनल है और फुल का आने वालों की गाड़ियाँ आ रही है, तो काला हो गया है मुंह, तो काला नहीं हुआ है, मुंह काला हो गया है, बिल्कुल मुंह काला हो गया है। तो मेरे को लगता है आर्मी वालों की गाड़ियाँ आ रही है, तो टनल में से उनकी गाड़ियाँ इकट्ठी निकलेगी, तो सभी को रुका लिया है, ट्रैफिक लग गया है, मेरे को लगता है यहाँ 1-2 घंटे लगेंगे, तो ट्रैक्टर ऑफ कर लीजिए आराम से। ओके, ट्रैक्टर बंद नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि ट्रैक्टर की वो बैटरी चार्ज लगाई हुई है, तो उसे स्टार्ट करने के लिए फिर दोबारा से उसको खोलना पड़ेगा और दोबारा से लगाना पड़ेगा, इसलिए अभी बंद तो कर नहीं सकते, इसलिए ऐसे स्टार्ट ही रहेगा। तो देखते हैं कितनी देर में जाम खुलेगा या फिर बंद ही करना पड़ेगा। गाइज 9 किलोमीटर पार किया, इतनी मुश्किल से पार किया, पूछो मत, बीच में तो मुझे चक्कर आने लग गया था, इसको बोला था कि तू चला ले ट्रैक्टर, ये देखो अभी बाहर निकले हैं जस्ट, टाइम तो हमें 15 मिनट लगे हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण इतनी ज़्यादा इसके अंदर गंदी गैस भरी हुई है ना, तो भाइयों कोई ट्रैक्टर पे इसके अंदर मत घुस जाना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना। ये देखो इसको जुकाम हो गया इसके अंदर, मिट्टी हो गई है, गाइस बहुत गंदी गैस है इसके अंदर, क्योंकि इतने सारे व्हीकल इसमें से निकलते हैं ना, तो उसके बाद आपको पता है कि कितना पोल्यूशन होता है। तो बीच में मुझे चक्कर आने लग गया था, ये बीच में मतलब इमरजेंसी के लिए दे रखे हैं, एक बार मैंने सोचा कि इसके अंदर चलते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो निकलते हैं, थोड़ी रहेगी ऐसे करके बाहर निकल आए। तो अभी फाइनली ये 9 किलोमीटर की है, और भारत की सबसे लंबी है, तो भारत की सबसे लंबी टनल है।
गाइस ये पहली नदी मिल गई है हमें, देखिए पहाड़ों से पानी बहता हुआ, ये देखो इनके बीच में से निकल रहा है पानी। ये सीन देखने में इतना अल्टीमेट लग रहा है ना, पूछो मत। मेरा मन तो करता है कि ट्रैक्टर वहाँ पे ले जाऊँ, पर ट्रैक्टर वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, इसलिए वहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए आपको यहीं से व्यू दिखा रहा हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। आगे गाइज रोड आ जाएगी टूटी फूटी, 40 किलोमीटर तक हमें आराम से चलना पड़ेगा, बिल्कुल टूटी फूटी रोड है। इंडिया का पहला ट्रैक्टर जो सबसे ऊंची हाइट पे जा रहा है। सभी भाई लोग इस पे फोटो करा रहे हैं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है इसलिए यहाँ पे फोटो करवा रहे हैं। सब तारीफ कर रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई सिस्टम हमने देखा नहीं है कि ये पहला ट्रैक्टर है जो यहाँ ऐसे आया है। तो 6 घंटे का सफ़र तय हो गया और 6 घंटे के बाद हम रुके हैं श्रीनगर से, सिर्फ 60 किलोमीटर दूर रुके हैं। अभी वो ओवरफुल मैन है वो पूछने गया है कि यहाँ पे क्या स्टे कर सकते हैं या रहने के लिए जगह है कोई, तो यहीं पे रुक जाते हैं। और सफ़र काफ़ी लंबा था और पसीने छूट गए हैं, और बीच में आपको पता है एक ये टनल, दो तीन चार टनल आ गई थी, टनल के अंदर प्रॉब्लम आती है पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा। तो अभी देख रहे हैं कोई अच्छी जगह मिल जाए तो यहीं पे स्टे कर लेते हैं, नहीं तो श्रीनगर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है तो श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। रोड तो एकदम अच्छा है, हाईवे रोड है, और पहला टोल हमारा लग गया है। हम सोच रहे थे कि ट्रैक्टर का टोल नहीं लगता और पहला टोल हमारा लगा है, और अभी ये दूसरा टोल आ गया है, इस पर पता नहीं कि टोल लगेगा या नहीं लगेगा। आज का सारा सेटअप रेडी हो गया है, ये बना रहे हैं आलू नहीं सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। अब ठीक है, हाँ आलू गोभी की सब्जी। और क्या बना रहे हैं, सेटअप दिखा भाई ना, वाऊं बचन वास्ते मेरे लिए चावल देखेंगे। चलो गाइस चावल नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, रोटी तो बना कम से कम। हाँ और ये सेटअप कर लिया हमने, टार्क भी लगा लिया है, एक बार एक साइड से लगाई है क्योंकि हवा बहुत ज्यादा चल रही है। और ये भाई जयपुर से हैं, ये भी खाना बना रहे हैं अपना। और कैसे हो? थैंक यू भैया। अंदर ही बना रहे हो? हाँ अंदर ही बना रहे हैं, हम भी राजस्थान से। हाँ सही है, बढ़िया है। तो ये भाई भी अंदर ही बना रहे हैं, इनको भी हवा के कारण दिक्कत ना आए क्योंकि इनके पास कोई वैसे सामान नहीं है। हाँ और क्या बनाएगा? ओए मुझे सेविया नहीं बनाएगा? सेविया दूध को नहीं आ रहा, दूध है ना वो डिब्बे वाला। चलो ठीक है गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।